What's up everybody, Mudassar here, aka the Berozgaar Photographer. And title obviously पढ़ ही लिया रहेगा आप लोगों ने कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ. सो बेसिकली आई एम गोइंग ऑन अ नेक्स्ट ट्रैक एंड दिस ट्रैक विल बी लाइक क्या बोलना, केदारकांठा ट्रैक पे जा रहा हूँ मैं. एंड लास्ट ट्रैक मैंने, ये मेरा दूसरा ट्रैक है, फर्स्ट ट्रैक मैंने ब्रह्मताल वाला किया था, तो ब्रह्मताल ट्रैक का, तो उसका भी ब्लॉग यूट्यूब पे लाइव है. अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जाकर के देखो वो ब्लॉग, बहुत मज़ा आएगा. और अगर आप लोग ने देख लिया है सो चिल करो, ट्रैवल बडीज लोग के साथ, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करो, एंड दैट्स इट. और बस ये वाला ब्लॉग इन्जॉय करो, ठीक है. अभी मैं हूँ CST, CST, CSMT, जो बोलना है बोलो, सब एक ही चीज़ है. सो अभी मैं उस CST पे, एंड ठीक है, जर्नी चालू करते हैं. बहुत बातचीत हो गई लास्ट टाइम के ऐसा, ठीक है, जर्नी स्टार्ट करते हैं. तो कहानी कुछ ऐसी है कि भाई ने तुम्हारे रिसेंटली किया था ब्रह्मताल ट्रैक, एंड फौरन ही मैंने केदारकांठा प्लान कर लिया. तो सफ़र कुछ ऐसा था कि मुंबई से चाय की चुस्की लेते हुए पहुंच गया दिल्ली, और दिल्ली से रात को सोते हुए पहुंच गया सुबह देहरादून. और अब सफ़र शुरू होता है देहरादून से सांकरी का. तो सांकरी पहुंचने के लिए लगती है ट्रांसपोर्टेशन, और हमने कैब करी थी. सबसे पहला ब्रेक लिया था हमने कैंपटी फॉल पे, एंड सेकंड ब्रेक लिया दिस लोकेशन पे. और ये लोकेशन पे जो नदी बह रही है ये कोई लोकल नदी नहीं है, ये यमुना नदी है. और यार ये लोकेशन इतनी ऑसम है ना, बिलीव मी, यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही लेवल पे चिल वाला मोमेंट बनता है. एंड हम लोगों ने बहुत चिल किया इस लोकेशन पर बैठ कर. Bye.
नदी की आवाज़ सुनी आपने, कितनी प्यारी थी ना। मुझे तो बस ऐसे ही लग रहा था कि सारा दिन बैठ करके मैं इसे देखते रहूं और इसके बहने की आवाज़ सुनते रहूं। बट हम लोगों ने सफ़र कंटिन्यू किया और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप कब पक्के रास्ते से निकलकर कच्चे रास्तों में आ जाओगे और रास्तों के दोनों तरफ आपको पाइन्स ट्री मिलेंगे और ये वाला व्यू भी आपको एकदम अलग फीलिंग देता है। और इसी व्यूज़ को इंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच गए सांकरी। सांकरी टच एंड क्या ही बोलना, मतलब व्यूज़ देख रहे हो आजू बाजू, कैसे पहाड़ी पहाड़ है। बस व्यूज़ देखो यार, आप लोग व्यूज़ देखो। सब में प्यारा वो वाला पहाड़, उसके ऊपर स्नो है, बस ढका हुआ है, उसके पीछे भी है बट वो क्लाउड से ढका हुआ है, इसमें भी बहुत सारी है, फिर बहुत प्यारा लग रहा है। वेल चिल्ड वाला मोमेंट है, एकदम धूप भी निकली है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, ना ठंड लग रही है ना धूप, माइल्ड सा क्लाइमेट हो रखा है। बस अभी कुछ नहीं करना है, चाय पीनी है, आराम करना है, फैशन अप ऑन सब करना है, उसके बाद कुछ नहीं, आराम करना है। कल सुबह से होगी ट्रैकिंग स्टार्ट और बस देखते हैं ये ट्रैक पे मीन्स क्या अलग होता है, क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस करने मिलता है, ऑल दैट स्टफ। एंड अगेन दिस टाइम वापस से मतलब न्यू लोग हैं, सब स्ट्रेंजर्स हैं मेरे लिए, बनाएंगे दोस्त फिर से, नई न्यू फैमिली बनाएंगे, न्यू दोस्त बनाएंगे, मस्त। खैर कोई नहीं, व्यूज़ एंजॉय करो आप लोग और बने रहिए आगे की ट्रैकिंग वाला ब्लॉग देखने के लिए, ठीक है। अभी जो रिसेंटली आप लोग ने क्लिप देखा, वो क्लिप एक्चुअली ये जो एंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग, डांस वगैरह कर रहे हैं, तो इनका मेला लगा हुआ है, यहाँ के जो लोकल्स है रहने वाले सांकरी के, सो इनका मेला लगा हुआ है। सो वो जो है अपने गॉड को जो है तो फिरा रहे हैं, मीन्स वो पूरे मंदिर में लेकर के और उसके साथ डांस कर रहे हैं, एंड देन उसके नीचे से जो बच्चे हैं वो उसके नीचे से जा रहे हैं, सो दे आर टेलिंग लाइक कि उसके नीचे से जाने से ब्लेसिंग्स मिलती है गॉड की, एंड इन्होंने अपने गॉड का नाम बताया था बट हल्का डिफिकल्ट था, तो भूल गया मैं वो नाम, एक्चुअली नाम ही भूल गया मैं। सी हाउ दे आर इंजॉइंग एंड डांसिंग एंड ऑल, मतलब एक अलग सा फील आता है यार, मस्त लगता है ऐसे स्ट्रेंजर्स लोग को देखना, और मतलब एकदम अलग ही रिचुअल्स हैं इनका एंड ऑल, मस्त लग रहा था। और क्लिप्स देखो, इंजॉय करो।
सांकरी में हम लोगों ने स्टे किया और थोड़ा एक्सप्लोर किया, तो वहाँ के लोकल्स को देखने के बाद ऐसा लगा कि इनका रिचुअल और लिविंग स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है हमारे लिविंग स्टाइल से। तो यार बस यहीं तक के था सफ़र, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून, देहरादून से सांकरी। और हाँ, सांकरी से जुदा का तालाब वाला पार्ट आप मिस ना कर दो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड ट्रेवल बडीज़ के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके बाय। नाम क्या है तेरा? अशोक। और तेरा? आर्यन। करते करते बाय बाय, कोई बाय बाय भी करते भाई।